हमारी दूध की बोतलें आ गई हैं। गुजर जी अपने ले गए हैं स्पेशल डेरे से जाके दूध की बोतलें। थैंक यू गुजर जी। चेस देखिए कितने अच्छे बच्चे। हमने अपनी सैटरडे नाइट का जो आगाज है दूध की बोतलों से किया और बीच में पिस्से बादाम। गुजर जी मजा आ गया यार। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम बैकपैकर 91 की पब्लिक। वी आर बैक विद अनदर डे। तो रात को निकले थे, अभी दिन चढ़ गया। हम लोग निकले तो अपना सैटरडे नाइट आउट के लिए थे, लेकिन हमारे साथ छोटी सी एक कैबिन होगी थी। मैं गुजर जी उनका चाचा जिला के पास जा रहे हैं जी। आज उनके ट्रायल भी लेते हैं कि जी कैसा हमें आज वो खाना खिलाते हैं, क्या बनाया होता है इन्होंने खाने में। अच्छा जी, तो हम लोग पहुँच गए जी चाचा जिला के पास। गाड़ी पर पीछे पार्किंग की है और जिला फूड पॉइंट नज़र आ गया, दिखाते हैं आपको। आ जाए जी जी चाचा जिला पॉइंट आ गया। आपको वापस कर देना, आपने मुझे 100 रुपया वैसे हाथ से पकड़ लिया था ना। ये क्या है देखो आज क्या मिलेगा खाने में। वालेकुम जी, क्या बनाया हुआ आज? स्पेशल थी 2 प्लेटें, फिर खत्म हो गया। जो भी स्पेशल आपका पड़ा हुआ है ना 2 प्लेटें दे दें। तीन की हमने लगवाई हैं, 2 स्पेशल प्लेटें, पता नहीं क्या लगा के देते हैं हमें। जैसा भी खाना मिलेगा फिर कर देते हैं आप। कौन सी गली है? ये है गली जी, इस गली के अंदर इन्होंने जो बेयर सीटिंग में कर इधर है। इधर आ जाओ जी, आ जाएगा इधर। दो हैं तो ये सारा जो जिला फूड पॉइंट है उनकी ही शूटिंग है जी। कैसा टेस्ट है बॉस? बेहतरीन। अच्छा बेहतरीन जी, बेहतरीन। पहला रिव्यू मिल गया बेहतरीन। ले जी आ गई हमारी लस्सी, ये आ गए हैं हमारे साथ कबाब, पता नहीं क्या बनाया हुआ है इन्होंने, जो भी था स्पेशल इन्होंने 2 प्लेटें दे दी हैं। ये हमारे नाशन, हमने ये एक डील खत्म कर लिया, दूसरी डील पता नहीं मखनी इन्होंने बनाई है शायद। हाँ जी जी, खाना चाना हमने खा लिया और अभी हैं जी बिल्कुल जीजा जी के बिल्कुल सामने। खाना मज़े का था, टेस्टी था और सस्ता भी था। सस्ता भी है, मज़े का भी है और टेस्टी भी है। चलिए अब आपको गाड़ी में जाके बैठ के मिलते हैं जी। तो फ्रेंड्स टाइम हमारे पास होता जा रहा है जी 4 का और ट्रैफिक खचाखच फंसी हुई है। अभी किनाल रोड की तरफ हम लोग निकल रहे हैं, खाना शाना हमने खा लिया और फूड तो यार उनका मज़े का था, नो डाउट। ठीक है फूड टेस्टी था, मैं उनको 10 में से 9 नंबर दूंगा और जो साफ सुथराई थी उसमें से मैं उनको 10 में से 6 दूंगा और जो स्टाफ था स्टाफ के मामले से मैं कहूँगा कि उनको 3 या 2 मिलना चाहिए, क्योंकि स्टाफ जो था ना वो काफ़ी रूड किस्म का स्टाफ था और बिल्कुल उनको नहीं डिसिप्लिन बोलने का। जंगल का कानून वही जी, चुदराहट, वो कहता मैं चौधरी हूँ सुन लो चौरी हो। खैर यार आपके पास जो खाना खाने के लिए आता है, पहली चीज़ आपका ये काम बनता ही नहीं है कि जब आके एक बंदा खाना स्टार्ट उसमें कर दिया। डीलें आप लोग देते हो, दसी डीलें आनी चाहिए, आधे आधे घंटे का आप लोगों ने वेट करवाया है। ठीक है अगर आपका खाना बन रहा तो आप सीधा कस्टमर को कहेंगे जी ख़त्म हो गया, अगला बन रहा है,
तो आप लोग इतना वेट करें, एक आप लोगों ने वेट करवाना ऊपर से फिर रूट बात करना, तो ये चीज़ मुझे मुनासिब नहीं लगी। बाकी टेस्ट के हवाले से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैं थाईलैंड में था जब मैंने इनका देखा था, मेरी तब से विश थी कि जाके मैंने ट्राई करना है खाना है। तो खैर यार, फूड वाकई मैं मान गया हूँ जी, जीला एक नशा है और ये नशा हलाल है। चलें फ्रेंड्स, अब आपको देखते हैं आगे अब किधर निकलते हैं। हाँ जी जी, तो बैकपैकर 91 की पब्लिक सीन कुछ ऐसा हो गया है कि जी यू टर्न मार लिया हमने, ठीक है। अभी खा के निकली है जिला जी से खाना, तो मैंने अचानक टाइम देखा 4 बजे हैं। तो कल भी मैं मूवी देखने के लिए गया था, तो 5 बजे का शो था द लेजेंड ऑफ मौला जट। तो अभी हम जा रहे हैं जी मौला जट देखने के लिए जी। तो 4:30 हो रहे हैं और 5 बजे। कैसा लगा मेरा मजाक? 5 बजे 4:30 हो रहे हैं और 5 PM पे हमारा शो है द लेजेंड ऑफ मौला जट। हम लोग पहुंच गए जी एम्पोरियम में और C3 रो में हमने गाड़ी लगा दिया पार्किंग में। मैं क्या याद रखूं, मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूं। चलें अब चलते हैं ऊपर जी। तो टाइम हमारा होता जा रहा है और अभी हम लोग पहुंच गए अपने सिनेमा के पास, जाके करते हैं टिकट बाय। चलें जी, टिकट्स हमने ले ली हैं और 5:15 का शो है मौला जट जी का। तो तब तक हम यहाँ पे अब कुछ खाने पीने का सिस्टम देखते हैं। ये है द लेजेंड ऑफ मौला जट। चलें तो अभी हम अंदर जाते हैं, जाकर मूवी देखते हैं और मूवी के बाद आपको मूवी का रिव्यू भी देते हैं। तो लियान भाई, वो आपने क्या ऑर्डर किया था अभी? सोसे। मैंने आप ही को जाकर मैं मसोसे हैं क्या, मैं तो मसोसे कर रहा हूँ। मेरी फेवरेट मूवी है ये, बड़ा बड़े दिनों से दिल में ये देखते हैं। जाने की प्लान बना और जाने की हम लोग इधर आ गए हैं। हाँ जी जी, तो द लेजेंड ऑफ मौला जट मुक गई है जी, बड़ा मज़ा आया। और 15-20 मिनट से हम लोग पार्किंग में खजल हो रहे हैं, गाड़ी नहीं मिल रही। मिल गई है, अभी मिल गई है, पहले नहीं मिल रही थी। तो खैर यहाँ पे हम करते हैं हमने ब्लॉग एंड। नेक्स्ट ब्लॉग को देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए पीस आउट।